हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 44 लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपकी वर्कशीट की हेडिंग है उत्तक, विभ द्योतक उत्तक। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे बच्चों हम कि जैसा कि तुम जानते हो, जंतु और पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय वो जीव होते हैं जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बने हैं। जैसे इन जीवों में सभी जो कोशिकाएं हैं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे एक कोशिका है उसको एक तरह का काम दिया जाता है, दूसरी कोशिकाओं को दूसरी तरह का, मतलब ग्रुप में होती हैं वो कोशिकाएं, जिनको जिसका एक ग्रुप होता है उसको एक तरह का काम दिया जाता है, जिसका दूसरा ग्रुप होता है उसको दूसरी तरह का काम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, जो कोशिकाएं एक ही जैसे कार्य करती हैं जिनका एक ही ग्रुप होता है उन्हें उत्तक कहते हैं, और ये जो होते हैं विभिन्न प्रकार से उत्तक से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे लिखा है दो प्रकार के उत्तक होते हैं, इसमें उत्तक के प्रकार दिए हैं। आगे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है जंतु उत्तक और दूसरा होता है पादप उत्तक। ओके, तो जंतु उत्तक में क्या होता है, जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी समान होती है। जंतु जो होते हैं वो चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और उनमें कोशिका की भी, अब आप इंसान के शरीर को देख लो या फिर किसी जानवर के शरीर को देख लो, ठीक है, वो क्या होता है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है फिर बड़ा होता है, इसी तरह से जानवर भी होता है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, वृद्धि होती है ना कोशिकाओं की, जिससे शरीर भी बढ़ता है, एक समान तो नहीं रहता हमेशा। इस तरह से अगला है पादप उत्तक, पौधे स्थिर रहते हैं, पौधे एक ही जगह रहते हैं, इसलिए इसमें अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं, और इसको बहुत सारे उत्तक जो होते हैं वो मिलकर सहारा देते हैं। यह उत्तक अधिकांश मृत होते हैं। अब पौधे चलते फिरते नहीं हैं, बढ़ते तो हैं पर एक ही जगह स्थिर रहते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। जैसे पौधों में कुछ जो उत्तक होते हैं वो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, अलग होते रहते हैं। पादप उत्तकों को विभ द्योतक उत्तक कहते हैं। ठीक है, और स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इन्हें। अब नीचे लिखा है विभ द्योतक उत्तक, पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तक को विभ द्योतक उत्तक कहते हैं। ठीक, आगे दिया है बच्चों, इसके भी प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे शीर्षस्थल विभ द्योतक, अंतःविष्ठि विभ द्योतक और पार्श्व विभ द्योतक। ठीक है, ये तीन प्रकार के उत्तक होते हैं इसके अंदर, जो कि इसमें दिए गए हैं। पहला जो है, यह पौधों की जड़ एवं तने की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। पौधे के बारे में बताया ना, तो जड़ जहाँ होती है वहाँ और तना जहाँ होता है वहाँ, यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, पौधा बढ़ता है तने से बढ़ता है और जड़ों से भी बढ़ता है। ठीक है, तनों में तो टहनियाँ वगैरह सब कुछ निकलती हैं। अंतर्विष्टि विभ द्योतक, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होता है। ठीक बच्चों, अगला है पार्श्व विभ द्योतक, तने की परिधि, तना कितना मोटा है, गोल है अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभ द्योतक उत्तक के कारण होती है। ठीक है, और इसके नीचे दिए हैं विभ द्योतक उत्तक के गुण। ठीक है, इसमें गुण में भी देख लो, इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली झिल्ली, कोशिका झिल्ली और स्पष्ट केंद्रक होता है, और इनमें रसधानियाँ नहीं होती। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, उत्तक क्या है? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दो है, पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई दो अंतर लिखिए। अब आगे अंतर लिखे हैं, मैंने दो ही लिखे हैं। पादप उत्तक अधिकतर मृत होते हैं और जंतु उत्तक अधिकतर जीवित होते हैं।
पादप उत्तक में पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहती है, इसलिए इन उत्तकों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं में वृद्धि भी एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है, विभजोतक उत्तक के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति को दर्शाइए। बच्चों सब कुछ वर्कशीट में दिया है, एज इट इज़ ये सारा दिया है, आप चाहे उसमें से लिख सकते हो चाहे इसमें से लिख लो। पहला है शीर्षस्थ विभजोतक, यह पौधे की जड़ एवं तनों में वृद्धि वाले भागों में विद्यमान होता है। यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। अंतःविष्ट विभजोतक, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तीसरा है पार्श्व विभजोतक कैम्बियम, यह उत्तक तने और जड़ की परिधि में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, विभजोतक उत्तकों के कोई दो गुण लिखिए। ये भी बच्चों आपकी वर्कशीट में साफ साफ दिए हैं, एज इट इज़ आप उतार सकते हैं। पहला है इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। दूसरा है इनमें इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली झिल्ली, भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। ओके बच्चों, ये थे इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।